सरहुल पूजा के लिए सरनाथ धर्मावलंबियों ने उपवास रखना शुरू कर दिया है। रीति के अनुसार सुबह में केकड़ा और मछली पकड़ने का विधान हुआ और पर्व की शुरुआत की गई। शायद बहुतों को ये नहीं पता होगा कि प्राकृतिक के इस पर्व में केकड़े का क्या महत्व है। दरअसल सुबह के वक्त को केकड़ा पकड़ा जाता है और उसे पूजा घर में अरवा धागा से बांध कर टांग दिया जाता है। फिर जब धान की बुआई की जाती है तो इसकी चूरन बनाकर गोबर मिला दिया जाता है, उसके बाद बुआई होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरीके से केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं उसी तरीके से धान की बालियां भी असंख्य होती हैं। जो भी घर के जितने भी घर का एक सदस्य जो बुजुर्ग होते हैं वो हम लोग तमाम लोग उपवास में थे। उपवास कुछ लोग तोड़े हैं, कुछ तोड़ेंगे। और हमारे जो बच्चे नवयुवक जो होते हैं वो आज के दिन केकड़ा मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और आज केकड़ा मछली भी पकड़ के लाए हैं। अब हम लोग आज के दिन में संध्या के समय हम लोग जल रखाई पूजा भी करते हैं। वो हम लोग अपने जितना भी बंधु बांधव के साथ में हम लोग नदी तालाब या चुमा जाएंगे, डाड़ी कुआं जाएंगे, जहाँ कहीं से हम लोग लाते हैं जल वहाँ जाएंगे। हम लोग आज जल लेके आएंगे दो नया घड़ा में और हम लोग आज सरना में उस जल को हम लोग रख के जो हम लोग का पारंपरिक जो धार्मिक विधि विधान है उससे साथ पूजा पाठ करेंगे और जल रखेंगे। ये कार्यक्रम है आज रात्रि का। और कल हम लोग का है सरहुल का जो पूजा है, विशेष पूजा।